आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के भानपुरा एवं शौंगढ़ सुवासरा तहसील में आज कांग्रेस द्वारा लगातार चली बारिश के चलते सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के कारण किसानों द्वारा बताया गया कि कई जगह ज्यादा बारिश के कारण सोयाबीन की फसल में पीला रोग एवं अफलन की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण सोयाबीन पैदा नहीं हो पा रही है। परेशान किसान ने सरकार से मांग की है कि मौसम के कारण हमारी फसल को जो नुकसान हुआ है, हमें सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी जावे। इन्हीं मांगों को लेकर आज भानपुरा एवं शौंगढ़ में कांग्रेस द्वारा धरना देकर राज्यपाल के नाम मुआवजा को लेकर ज्ञापन दिया गया और किसानों को मुआवजा देने की सरकार से मांग की गई। खबर आपकी राजस्थान से, श्रीपाल सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। समस्या है जो किसानों की सोयाबीन में आफलन और चीलामोदक रोग जो लगा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में बैठी है, जो किसानों को तत्काल सर्वे करके बीमा और मुआवजा दे, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। किसानों के सामने त्यौहार पड़ा, आने वाला वर्ष पड़ा है, उसमें किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है कि किसान के पास अभी बचा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जितनी फसल लगाई थी वो सारी फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि पीला मोजक रोग और आफलन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ जो इली के प्रकोप के कारण मक्का खराब हो रही है, तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्षेत्र के मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल किसानों की फसल का सर्वे कराया जाए और उनको तत्काल आसपास की तहसील में बहुत फलन की स्थिति हुई है। पूरे जिले में ना पीला मोजक रोग फसल को लगा है, उसमें ना फल हुआ है ना कुछ हुआ है। इसलिए हमने सरकार से मांग करी है कि कमलनाथ जी की तर्ज पर बिना सर्वे करवाए कमलनाथ जी की तर्ज पर किसानों को राशि दी जाए। मेरा निवेदन है कि शिवराज सिंह सरकार से जल्द से जल्द किसानों को राशि मुआवजा राशि दी जाए, ताकि सरकार अपना अपनी फसल की तैयारी करें। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आगे चक्का जाम करेंगे और घर घर जाके किसानों को जागृत करेंगे। आपका नाम और पद? पवन पांडे, ब्लॉक।